आज्ञा चक्र जगाएं, दिव्य दृष्टि पाएं। संसार में अभी तक ऐसा फोटो कैमरा नहीं बना जो टेक्निकलर, विस्टा विजन और 3D टेक्नोलॉजी युक्त हो, शत प्रतिशत साफ फोटो खींचता हो, जिसमें फोटोग्राफर की आवश्यकता न हो और फिल्म प्लेट आदि लगाने का झंझट भी ना हो। ऐसा कैमरा बनना तो दूर, किसी वैज्ञानिक के मस्तिष्क में इस तरह की संभावना की कल्पना भी अभी तक नहीं आई। यदि कोई सोचने भी लगे तो इन सारी सुविधाओं से संपन्न किसी विशालकाय यंत्र की ही कल्पना की जा सकती है। इतने उपकरण होते हुए भी उसका साइज 1 इंच जितना छोटा है, उसे तो सर्वथा अंश रूप ही कहना चाहिए। यांत्रिक जगत में ऐसा फोटो यंत्र भले ही न बना हो, भले ही उसकी संभावना अशक्य मानी जाए, पर ऐसा कैमरा अपने पास मौजूद है और उसका उपयोग जन्मकाल से ही हम लोग कर रहे हैं। ये जादू जैसा फोटो यंत्र है नेत्र। हमारे नेत्र बहुत ही संवेदनशील और सक्रिय हैं। अपने पलक 1 मिनट में प्रायः 30 सेकेंड बंद रहते हैं और लगभग उतनी ही देर खुले रहते हैं। ये क्रियाकलाप निरंतर अनायास चलता रहता है, पर आश्चर्य ये है कि हमें इसका पता तक नहीं चलता। यूं आंखें गर्भस्थ शिशु के 5 महीने में ही बनकर तैयार हो जाती हैं और उनकी वृद्धि का क्रम 6 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। फिर भी उससे संबंधित मस्तिष्कीय संस्थानों के विकास में 26 वर्ष लग जाते हैं। दृष्टि संबंधी प्रखरता एवं परिपक्वता का क्रम पूरा होने में प्रायः 25 वर्ष लग जाते हैं। इससे पूर्व उसकी आकृति ठीक बन जाने पर भी मानसिक कुंद्र में कुछ न्यूनता ही बनी रहती है। पलकों के निचले भाग में से एक प्रकार का अष्टजल स्रावित होता रहता है। ये नेत्र गोलकों पर पड़ने वाली धूलि आदि साफ करता रहता है। वर्षा के दिनों में मोटर ड्राइवर के सामने वाले शीशे पर जमने वाली बूंदों को जिस प्रकार विंडशील्ड वाइपर साफ करता है, उसी प्रकार पलकें झपकने की क्रिया और ये अष्टजल स्राव आंखों की निरंतर सफाई करते रहते हैं। इस अष्टजल में जीवाणु नाशक तत्व भी घुले रहते हैं, जिनके कारण आंखों का शुद्धिकरण भी चलता रहता है। आंखों की क्षमता प्रायः 150 प्रकार के रंग भेद पहचानने की है। उनकी बनावट अजीब है, सेल्यूलाइट की तरह पारदर्शक, चमड़े की तरह मजबूत, रबड़ की तरह लचीली, स्फटिक की तरह स्वच्छ और आजीवन काम देने वाली, कभी न घिसने टूटने वाली वस्तुओं से मिलकर आंखें बनी हैं। दूर दृष्टि और निकट दृष्टि की, प्रकाश के अनुरूप फैलने सिकुड़ने की सभी विशेषताएं इस नेत्र कैमरे में विद्यमान है। बुढ़ापे में कलर फिल्टर के तंतु घिस जाने से नीले और काले रंग को पहचानने की क्षमता घटती जाती है। आंख के दृश्य कलेवर से लेकर मस्तिष्क के दृष्टि संस्थान तक की लंबाई जरा सी है, पर उतने से ही गह्वर में प्रायः 13,70,00,000 कोश होते हैं। प्रकाश की प्रतिक्रिया को यही तंतु ग्रहण करते हैं। आंखों के पीछे का गड्ढा, जिसे फोविया कहते हैं, बारीक चीजें देखने के काम में आता है। ये नेत्र संस्थान दूषण रहित हो तो 1 इंच के 10,000वें भाग को भी ठीक तरह से देखा और पहचाना जा सकता है। आंखें देखती जरूर हैं, पर उसका निष्कर्ष और प्रभाव स्पष्ट करने वाला संस्थान मस्तिष्क के पिछले भाग में स्थित है। टेलीफोन पद्धति में क्रॉसटॉक जैसी प्रक्रिया ही नेत्र संस्थान पर होती है और उसी से देखने की प्रक्रिया ठीक तरह काम कर पाती है। मस्तिष्कीय दृष्टि संस्थान में सन्निहित कोशों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। ये कोश बाह्य जगत के लाल, हरे और नीलो रंगों से प्रभावित होते हैं। इन्हें कारणों से रंगों के उतार चढ़ाव एवं सम्मिश्रण से बनने वाले अगणित रंग हमें परिलक्षित होते हैं। मस्तिष्क ज्ञान का 85% भाग इन्हीं नेत्र गोलकों द्वारा उपलब्ध एवं विकसित होता है। आंखों की स्थूल शक्ति की भी अपनी महत्ता है। आंखें न रहने पर संसार में सर्वत्र चहु ओर अंधकार ही शेष रह जाता है। उस स्थिति की कल्पना करें तो प्रतीत होगा कि ज्योति मानव जीवन की कितनी बड़ी आवश्यकता है, पर
इससे बढ़कर है हमारी सूक्ष्म दृष्टि, जो उस अदृश्य जगत को दृश्यमान करती है जो चर्म चक्षुओं की पकड़ से बाहर है। ये नहीं समझना चाहिए कि प्रकाश के माध्यम से हमारी आंखें जो देख पाती हैं उतना ही दृष्टि क्षेत्र है। वस्तुतः प्रकाश का सूक्ष्म स्वरूप ऐसा भी है जो हमारी नेत्र सीमा से बाहर रहते हुए भी संसार में विद्यमान है, और उसे भी देखा समझा जा सके तो हम समस्त विश्व को अपने दृष्टि क्षेत्र में ले सकते हैं। तब दूरदर्शी शब्द मात्र समझदार लोगों के आगे की बात सोचने वालों के लिए ही लागू न होगा, वरन सचमुच हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि दूर की अति दूर की समस्त संसार की घटनाओं को देख सके। राडार यंत्र में यही होता है, वो प्रकाश किरणों से अधिक सूक्ष्म रेडियो किरणों के आधार पर दूरवर्ती वस्तुओं को, उनकी हलचलों को देख सकता है। टेलीविजन पर दूरवर्ती दृश्य हमारे सामने छाया रूप में प्रस्तुत होते हैं, उसी से मिलता जुलता पर दूसरे सिद्धांत पर आधारित राडार उपकरण है। दूरदर्शन में हमें टेलीविजन की तरह वो भी सहायता पहुंचाता है। राडार एक प्रकार की वैज्ञानिक आंख है जो प्रकाश तरंगों की अपेक्षा रेडियो तरंगों के माध्यम से देखने का प्रयोजन पूरा करती है। राडार शब्द रेडियो एंगल डायरेक्शन एंड रेंज का संक्षिप्तीकरण है। हमारी आंखें किसी वस्तु को तभी देख पाती हैं जब प्रकाश की किरणें उससे टकराकर परावर्तित होती हैं। अंधेरे में न देखने का कारण यही है कि प्रकाश के अभाव में उसकी किरणें वस्तुओं पर पड़ती ही नहीं, तो फिर वे परावर्तित होकर आंखों तक लौटेंगी कैसे? आंखों में स्वयं तो इतनी शक्ति है नहीं कि वे किसी वस्तु को प्रकाशवान बना सके। राडार को जुदाई आंख कह सकते हैं, जिसमें देखने की ही नहीं वस्तुओं को प्रकाशित करने की भी क्षमता है। राडार के एंटीना में एक ऐसा ट्रांसमीटर लगा होता है जो वस्तुओं को प्रकाशवान बनाता है, साथ ही एक ऐसा रिसीवर भी लगा होता है जो प्रकाशित वस्तु से टकराकर लौटने वाली किरणों को ग्रहण कर सके। यहाँ ये जान लेना चाहिए कि राडार द्वारा फेंका हुआ प्रकाश सूर्य या बिजली के प्रकाश जैसा चमकीला नहीं होता, न वो खुली आंखों से दिखाई पड़ता है। इसे वस्तुतः प्रकाश नहीं रेडियो कंपन कहना चाहिए। प्रकाश किरणों की तरह रेडियो किरणें भी होती हैं, पर वे चमकीली न होने के कारण आंखों को दिखाई नहीं पड़ती। अन्य बातों में दोनों समान हैं। रात में सामने से मोटर आ रही हो तो उसके प्रकाश से सामने वाले ड्राइवर की आंखें चौंधियाने का खतरा रहता है। तेज रोशनी की ओर कुछ देर देखा जाए तो भी आंखें चौंधिया जाती हैं और उनका देखना बंद हो जाता है। इसके लिए लगातार देखना रोकना पड़ता है, या तो पलक झपक कर या रोशनी को जलाते बुझाते रहकर ये व्यवस्था करनी पड़ती है कि लगातार देखने का सिलसिला न चले। ठीक यही बात राडार में होती है। रेडियो तरंगे भेजने और ग्रहण करने के बीच थोड़ा सा व्यवधान रखना पड़ता है। ये सिलसिला चालू रखकर दूरवर्ती वस्तुओं को देख सकना राडार के लिए संभव होता है। रेडियो तरंगों की चाल भी लगभग उतनी ही है जितनी की प्रकाश किरणों की, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। साधारण राडारों की शक्ति आमतौर से 500 किलोमीटर तक की होती है। इतनी दूरी तक रेडियो किरणों के जाने और वापस लौटने में 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग जितना समय लगता है। ये अत्यधिक स्वल्प समय है। इस अवधि में भी विराम की व्यवस्था करना कठिन प्रतीत होता है, फिर भी वैज्ञानिकों ने इसके लिए उपकरण बना लिए हैं। रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर इम्पीडेंस, इन्वर्टर और स्पार्क गैपों का समन्वय करके एक विचित्र प्रकार का ड्यूप्लेक्सर विनिर्मित किया गया है जो स्वल्प समय में भी प्रेषण ग्रहण के बीच व्यवधान रखे जाने की व्यवस्था पूरी करता है। रेडियो किरणें जिस वस्तु से टकराकर जितनी देर में लौटती हैं, उस समय गणना के आधार पर ये जाना जाता है कि अभीष्ट वस्तु कितनी दूरी पर है और उसकी आकृति किस प्रकार की है। यंत्र में रहने वाली ए स्कोप प्रक्रिया वस्तु की दूरी का ठीक निर्धारण कर देती है। इन दिनों सुरागे पद्धति में और भी सुधार हुए हैं। सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करने वाले कैलस्ट्रेन एवं
कैविटी मैग्नेट्रोन यंत्र अब हर बात को और भी अच्छी तरह अंकित करने लगे हैं। रेडियो तरंगे, बादल, धुआं, कोहरा, अंधेरा सामने होने पर रुकती नहीं और वे निर्दिष्ट दिशा में बिना किसी अवरोध के बढ़ती चली जाती हैं, जबकि प्रकाश किरणें ऐसी रुकावट आने पर अवरुद्ध और कुंठित हो जाती हैं। राडार पद्धति में इसलिए प्रकाश किरणों की अपेक्षा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। आकाश में उड़ने वाले जहाजों की दूरी, दिशा तथा शक्ल ये राडार ठीक ठीक बता देता है। आंधी तूफानों की परिधि तथा चाल का पता चल जाता है। आकाश के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने में उससे बड़ी सहायता मिलती है। हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं, अंधेरे और कोहरे में उन्हें रास्ते का पता कैसे लगे? उनमें लगे यंत्र इसी पद्धति से नगर, नदी, पर्वत आदि को दिन की तरह देखते चलते हैं। पानी के जहाजों को भी ये पद्धति सामने के टापुओं, चट्टानों, जहाजों का विवरण बताती है। युद्ध के समय इनका बहुत उपयोग है। रेडियो तरंगे अनेक प्रकार की होती हैं, पर उनमें से राडार उन सुपर फ्रिक्वेंसी वाली तरंगों का ही प्रयोग करता है जो अत्यधिक कंपन वाली किंतु अल्पावधि की होती हैं। ये एक सीमा तक ही जाती है। कितनी दूरी तक उन्हें प्रयुक्त करना है, इसकी सीमा इंडिकेटर में पहले से ही व्यवस्थित कर देनी पड़ती है। यंत्रों की शक्ति और देखने की आवश्यकता के अनुरूप ही ये सीमा बंधन किया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि रेडियो तरंगों की सीमा इतनी ही है। ये तो उनका एक सीमा बंधित विशेष प्रयोग है। उनकी ऊर्जा अनंत दूरी तक चलती हुई सब व्यवधानों को पार करती हुई असीम तक चली जा सकती है। दोनों भवों के मध्य भाग में जो बाल रहित खाली स्थान है उसे भ्रकुटी कहते हैं। उसके नीचे अस्थि आवरण के उपरांत एक बेर की गुठली जैसी ग्रंथि है, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। शरीर शास्त्र की दृष्टि से उसका कार्य और प्रयोजन अभी पूरी तरह नहीं समझा जा सका, पर आत्मविद्या के अन्वेषी इसके अति महत्वपूर्ण कार्य को बहुत पहले से ही जानते हैं। इसे तीसरा नेत्र या दिव्य नेत्र कहते हैं। दिव्य दृष्टि यहीं से निःसृत होती है। भगवान शिव के चित्रों में प्रदर्शित ये एक तीसरा नेत्र इसी स्थान पर अंकित रहता है। कथा है कि इस तीसरे नेत्र को खोलने पर एक प्रचंड अग्नि ज्वाला निकली थी और उसी से कामदेव जलकर भस्म हो गए थे। भगवती दुर्गा के चित्रों में भी ये तीसरा नेत्र इसी स्थान पर विद्यमान है। ये तीसरा नेत्र हर मनुष्य के शरीर में मौजूद है, प्रश्न केवल विकसित करने का है। सामान्यतया दो चर्म चक्षु ही काम करते हैं और उन्हीं से जीवन के साधारण कामकाज चलाए जाते रहते हैं। ये तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र यदि विकसित किया जा सके तो उससे राडार, टेलीविजन और एक्सरे यंत्रों के तीनों काम एक साथ लिए जा सकते हैं। राडार रेडियो किरणें फेंकता है और उनके वापस लौटने से उस स्थान का विवरण प्राप्त करता है जिस स्थान पर वे किरणें टकराई थी। टेलीविजन से दूरगामी दृश्य दिखाई पड़ते हैं। संजय ने महाभारत का सारा दृश्य इसी पद्धति से देखा था और धृतराष्ट्र को पल पल की विस्तृत खबरें देते रहने का कार्य दायित्व भली प्रकार निभाया था। एक्सरे से आवरण से ढकी वस्तुएं भी देखती हैं। शरीर के भीतरी भागों की फोटो उसी से लिए जाते हैं और क्षय जन्य घाव, हड्डी टूटना, गोली छर्रा आदि का लगा होना उसी के द्वारा लिए हुए फोटो से जाना जाता है। किसी लकड़ी के बक्स में जेवर आदि रखे हों तो एक्सरे द्वारा उसकी फोटो लेकर भीतर क्या है ये जाना जा सकता है। आज्ञा चक्र इन तीनों प्रयोजनों को भली प्रकार पूरा कर सकता है। सुदूर क्षेत्रों के निवासी व्यक्तियों की परिस्थितियों तथा विभिन्न स्थानों में घटित होने वाली घटनाओं का विवरण आज्ञा चक्र बता सकता है। उससे वहां के दृश्य देखे जा सकते हैं जहां नेत्रों की पहुंच नहीं है। भूगर्भ में छिपे हुए रहस्य प्रकट हो सकते हैं और अंतरिक्ष में जो सूक्ष्म क्रियाकलाप अभी पक रहा है, निकट भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है, उसका पूर्व रूप समझा जा सकता है। ये सांसारिक अगम्य ज्ञान की उपलब्धि हुई। इससे ऊपर आत्मा सत्ता का, आत्म चेतना का, दैवी संकेतों का अभ्यास है।
इसे देख सकना इतना अद्भुत और आकर्षक है कि उस स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति परा और अपरा प्रकृति के सारे रहस्यों से ही अवगत हो जाता है। तब वो स्थूल जगत के क्रियाकलापों को बाल क्रीड़ा में रचे हुए रेत बालू के घर मकानों जैसी स्थिति में पाता है। ईश्वरीय सत्ता, आत्मा की स्थिति, जीवन का स्वरूप, जन्म जन्मांतरों की श्रृंखला, कर्तव्य पथ, लोक व्यवहार का आधार आदि महत्वपूर्ण आधार ही उसे वास्तविक लगते हैं। ऐसा दिव्य दर्शी मनुष्य बाल बुद्धि से प्रेरित ओछे रीति को त्याग कर अपनी गतिविधियों में उन तत्वों का समावेश करता है जो महामानवों के लिए उचित और उपयुक्त हैं। तीसरे नेत्र के खोलने से जो विवेक बुद्धि जागृत होती है, उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे मृग मारीच अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं और नष्ट करने के लिए शिवजी के तीसरे नेत्र की तरह हर विवेकवान की दिव्य दृष्टि खुलती है। परिष्कृत दृष्टिकोण विकसित हो जाने के कारण उसकी सोचने और करने का तरीका माया मोह ग्रस्त अज्ञान अंधकार में भटकने वाले लोगों से सर्वथा भिन्न होता है। दो नेत्र प्रकृति ने दिए हैं, तीसरा नेत्र खोलने और दिव्य दृष्टि प्राप्त करने को आज्ञा चक्र साधना करना दूरदर्शी विवेकवान का काम है। हमें इस परम पुरुषार्थ के लिए साहस जुटाना ही चाहिए।